हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज जो हम क्राफ्ट बनाएंगे उसमें ये लीफ और ये खाली प्लास्टिक के बॉटल का यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने एक प्लास्टिक सीट लिया है और उस पर पाउडर छिड़क लिया है। आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं। पाउडर छिड़कने के बाद मैंने बॉल पुटी का डो लिया है। मैंने बॉल पुटी का डो पहले ही बना के रख लिया था। मैंने आपको बताया है कि बॉल पुटी का परफेक्ट डो कैसे बनाते हैं। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बॉल पुटी के डो को हम पेन या बेलन की सहायता से बेल लेंगे। थोड़ा सा बेलने के बाद मैंने प्लास्टिक सीट हटा दिया है और जो लीफ था उसे उस पर रख दिया और मैं दोबारा इसे अच्छी तरह से बेल लूँगी। अच्छी तरह से बेलने के बाद प्लास्टिक सीट को हटा देंगे और जो एक्स्ट्रा बॉल पुटी है उसे भी हटा देंगे। एक्स्ट्रा बॉल पुटी हटाने के बाद हम इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। बीच में प्रेस करने के बाद हम इसके किनारों को भी थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसके दोनों तरफ एक एक पेन का सपोर्ट देंगे और इसे अच्छी तरह से सूखने के लिए रख देंगे। जब ये प्रॉपर सूख जाएगा तो इसमें से लीफ काफ़ी आसानी से बाहर निकल जाएगा। लीफ को निकालने के बाद हम इसे कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी कलर पसंद है आप उसी कलर से इसे कलर करें। मैंने जो इस पे ब्लैक कलर किया है वो प्रॉपर सूख गया, तो मैं इस पे अब गोल्डन मेटैलिक कलर कर रही हूँ। इसके बाद हम थोड़ी सी बॉल पुटी लेंगे और इस तरह की लरी बनाकर टूल्स की हेल्प से डिजाइन बनाएंगे। इसके बाद हम बॉटल लेंगे, बॉटल पे फेविकॉल लगाएंगे और उस पे इसे चिपका देंगे। मैंने उसी तरह से ढेर सारी लरियां बना ली है और हमें इसे बॉटल पे जहाँ जहाँ चिपकाना है वहाँ वहाँ फेविकॉल लगाएंगे और उस पे इसे चिपका लेंगे। वैसे तो बॉल पुटी को चिपकाने के लिए हम पानी का भी यूज करते हैं, मगर हम किसी ग्लास के बॉटल या प्लास्टिक के बॉटल पे बॉल पुटी को चिपकाएंगे तो हम फेविकॉल का हेल्प लेंगे। फेविकॉल की मदद से ये बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाता है। अगर ग्लास के बॉटल या प्लास्टिक के बॉटल पे हम बॉल पुटी को पानी से चिपकाएंगे तो पहले तो वो चिपकेगा नहीं, अगर वो चिपक भी गया तो वो बहुत ही जल्दी उसमें से निकल जाएगा। मैंने इस प्लास्टिक के बॉटल के नीचे वाले सिरे पे कुछ इस तरह की डिटेलिंग की है, तो अब मैं इसके ढक्कन पे भी डिटेलिंग कर लूँगी। इस ढक्कन पे बॉल पुटी से डिटेलिंग करने के पहले या बाद में इसके बीच में एक होल बना लें। होल बनाने के लिए आप अपने घर में किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं। मैंने जो बॉल पुटी से डिटेलिंग की है वो अच्छी तरह से सूख गई है, तो मैं अब इसे कलर कर रही हूँ। कलर आप अपने अकॉर्डिंग करें, आपको जो भी कलर पसंद है आप उसी कलर से इसे कलर करें। मैंने यहाँ पे कलर करने के लिए एक्रेलिक कलर का यूज किया है। एक्रेलिक कलर वैसे तो हमारे लोकल मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, पर अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्राफ्ट बनके तैयार हो गया है। मैंने लीफ की हेल्प से छोटा सा ट्रे बनाया है और जो बॉटल पे डिटेलिंग की है इस बॉटल में मैं ब्लैक पेपर और साल्ट रखूँगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो लेकर बहुत जल्द फिर आऊँगी। तब तक के लिए बाय।